बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं पेशावर का हिस्टोरिकल एक लोकेशन आपको दिखाऊंगा, जिसको कहते हैं कोरगटरी। इसका पुराना नाम कारवान सराय है। ये 1641 में शाहजहाँ की बेटी जहान आरा ने बनाया था। ये एक बहुत बड़ा सराय था। इसमें जो अफ़गानिस्तान से दूसरे मुल्कों से काफले आते थे तो वो यहाँ पे ठहरते थे, उनके लिए पूरा बंदोबस्त यहाँ पे होता था। तो ये पेशावर के बिल्कुल बीच में है। इसके दो मेन गेट हैं, एक बाजार कला की तरफ निकलती है, दूसरी लाहौरी गेट की तरफ खुलती है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी पार्क का शक्ल इख्तियार कर चुका है और म्यूज़ियम का शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्योंकि 1641 में ये बना है, इसकी काफ़ी तारीख है और बहुत खूबसूरत रखा हुआ है, अभी भी गवर्नमेंट ने मेंटेन की है। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ खुदाई की गई है, जिसमें से पेशावर का वो पुराना तारीख वाज़े हो रहा है कि ये कितना पुराना है, क्योंकि नीचे भी दीवारें नज़र आई हैं जो इनसे भी पहले बने थे यहाँ पे। नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे अंदर एक मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और ये मुग़ल के बाद सिखों ने इन पे कब्ज़ा किया, सिखों के कब्ज़े में आ गया, तो सिखों के कब्ज़े में रहा कुछ अर्सा। फिर जब अंग्रेज़ आए तो अलेक्ज़ेंडर, वो अंग्रेज़ों ने इन पर कब्ज़ा कर लिया। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने म्यूनसिपल कमेटी बना दी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और सब कुछ यहाँ पे होती थी, और इनको तहसील का दर्जा दे दिया गया। अब भी आज भी ये तहसील से मशहूर है कि तहसील इनको कहा जाता है। इमारत से आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी है। जी व्यूवर्स, तो गवर्नमेंट ने इनको अभी बहुत प्यारा, इस पर बहुत कोशिश की है कि इनको मेंटेन रखें, और भी इसमें खूबसूरती डाल दी है और पार्क बना दिए हैं। इसमें काफ़ी फैमिलीज आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और मैं आप लोगों को भी ये मशवरा देता हूँ कि आप पेशावर आए तो ये शहर के बिल्कुल बीच में आपको एक एंटीक पुराना तारीखी जगह मिल जाएगा। आप इनका विज़िट बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो आप यहाँ चक्कर ज़रूर आएँ और अपने दोस्तों को भी साथ लाएं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान वाकई अमेजिंग पाकिस्तान है, और यहाँ पे आपको हर चीज़ अगर हिस्टोरिकल के हवाले से कहे वो भी आपको मिलते हैं, अगर माउंटेन पहाड़ों की सिलसिला का कहे तो वो भी काफ़ी मिलते हैं, और ज़मीनों के अंदर आपको ख़ासकर पेशावर में वो तारीख नज़र आएगा कि जो हज़ारों साल पुरानी है। जी नाज़रीन, रोरबाई वाइन्स
आपको इंशाल्लाह प्यारे प्यारे लोकेशन, तारीखी हिस्टोरिकल लोकेशन और ऐसे ऐसे मुकामात दिखाएंगे कि आप इंजॉय करेंगे और आपके इल्म में इजाफा होगा। अब हमारी जो वो है पेशावर में, पेशावर के तारीखी मुकामात और तारीखी बाजारें वो आपको दिखाएंगे। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड मिस ना कीजिए, क्योंकि हमारी बड़ी मेहनत होती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।